बात करते हैं खेल जगत की। दुनिया में सबसे ज्यादा लोकप्रिय खेल फुटबॉल के प्रति नागपुर वासियों का जुनून देखते ही बनता है। शहर में नागपुर जिला फुटबॉल एसोसिएशन द्वारा विभिन्न वर्गों के टूर्नामेंट आयोजित किए जाते हैं। हालांकि कोरोना महामारी के कारण इसके आयोजन पर संशय के बादल मंडरा रहे हैं। मनपा द्वारा शहर में खेल गतिविधियों को दोबारा शुरू करने की मांग लगातार की जा रही है, वहीं खिलाड़ियों का नुकसान भी इससे हो रहा है। इसलिए शहर के कुछ वरिष्ठ खिलाड़ियों ने युवाओं को फुटबॉल के गुण सिखाने के लिए उनको ट्रेनिंग देने का प्रशासनिक पहल जो है वो शुरू किया है। 13 तुझको अर्पण का भाव रखने वाले वरिष्ठ खिलाड़ी शहर के युवा पीढ़ी को इस खेल से जोड़ने और बारीकियों से रूबरू करवाने के लिए मैदान पर लौट आए हैं। वहीं फुटबॉल में रुचि रखने वाले नन्हे खिलाड़ियों को पूर्व विधायक सुधाकर देशमुख के हाथों टी शर्ट का वितरण भी किया गया। सबसे पहले तो मैं कनौजिया फुटबॉल एकेडमी जो है उसका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। जो फ्री में जो दे रहे लोग, इसके लिए सराहनीय काम कर रहे हैं लोग, और आगे भी ऐसा करेंगे ऐसी उम्मीद करता हूँ मैं इनसे। ये करीबन मेरे हिसाब से 80 से 90 बच्चों को इन्होंने प्रशिक्षण दिया है, ऐसा मुझे जानकारी मिली है। तो मैं एसोसिएशन की तरफ से, फुटबॉल एसोसिएशन की तरफ से इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इसके लिए। देखिए, पूरा विश्व COVID-19 की महामारी से एक प्रकार से त्रस्त था, जूझ रहा था। पूरे शिक्षण संस्थाएं और बीच में स्पोर्ट्स के मैदान भी सब बंद थे, लेकिन जैसे ही स्पोर्ट्स के मैदान जो खुल गए तो हमारे सदर के जो कनौजिया परिवार के जितने सदस्य थे उन्होंने कनौजिया फुटबॉल एकेडमी की शुरुआत की, और इस एकेडमी के माध्यम से सदर क्षेत्र के हर समाज के जो भी बच्चे हैं उनको खेल के प्रति प्रेरित करने के लिए, उनके अंदर जो खेल भावना है उसको जागृत करने के लिए और उनके अंदर की जो खूबियां है उसको सामने लाने के लिए एक बहुत ही अच्छा उपक्रम उन्होंने शुरू किया है। मैं कनौजिया एकेडमी के, फुटबॉल एकेडमी के एक प्रकार से उनके उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता हूँ। निश्चित ही फुटबॉल इस एकेडमी के माध्यम से सदर क्षेत्र के, पूरे शहर के लिए ही नहीं, पूरे राज्य के नहीं, देश के लिए भी अच्छे अच्छे यहाँ से खिलाड़ी प्राप्त होंगे। और इस फुटबॉल एकेडमी को चालू करने के लिए जितने भी लोगों ने तन मन धन से सहयोग किया उनका मैं बहुत ही बहुत दिल से शुक्रगुजार हूँ, और निश्चित ही उनकी जो भावना है उसको और भी ताकत मिलेगी, प्रभु उनको शक्ति देगा और ये एकेडमी अपने आप में एक रोशन होंगी, एक प्रकार से लीगेंड बनेगी, यही मैं शुभकामनाएं देता हूँ।